जून तिमाही का डेटा है कि पूरे जून तिमाही में किस तरह का एफआईएस का एक्शन देखने मिला, और काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे एफआईएस ने बिकवाली की है और खरीदारी भी की है। नेट नेट अगर आप देखेंगे तो करीब 7000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है, और बीएससी 200 कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो एफआईएस का कुल हिस्सा जो है वैसे तो 24.4% से गिर के 23.9% पे आया, यानी करीब आधा परसेंट के आसपास की बिकवाली जो है उन्होंने की है। ऑटो, ऑयल एंड गैस और कुछ हद तक टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बिकवाली हुई है, लेकिन बैंक्स, एनबीएफसी, आईटी सेक्टर में खरीदारी हुई है। सबसे पहले बता देता हूँ कौन से स्टॉक्स में उन्होंने बिकवाली की है। तो यहाँ पे एस्कॉर्ट्स, यहाँ पे बिकवाली की गई है, कुल स्टेक जो है 25.59% से गिर के 21.3% पे आया। पीवीआर में बिकवाली की है 46.1% से गिर के 47.17%, यानी कि करीब 4.4% के आसपास की बिकवाली की है, शायद इनको ओपन अप टीम पे भरोसा नहीं था। और जस्ट डायल, यहाँ पे करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली जो है वो एफआईएस की तरफ से की गई है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे खरीदारी की गई है, उसमें देखिए पिरामल एंटरप्राइजेस लगातार एनकाउंटर तेजी में था और यहाँ एफआईएस की तरफ से खरीदारी हुई है। 29.1% से स्टेक बढ़ के 33.3% पे आया, यानी कि करीब 4.2% की खरीदारी। एसबीआई कार्ड्स में खरीदारी की गई है, 3.9% की अतिरिक्त खरीदारी की गई है, और टाटा स्टील लगातार हाइस बनाते जा रहा है और एफआईएस का भरोसा यहाँ पे पूरी तरह से बना हुआ है। जून क्वार्टर में करीब 3.4% के आसपास की अतिरिक्त खरीदारी जो है वो टाटा स्टील में की गई है, और इसके चलते आपने देखा भी है कि टाटा स्टील में किस तरह की तेजी पिछले कुछ दिनों में की गई है। तो ये वो स्टॉक्स थे जहाँ पे एफआईएस की तरफ से खरीदारी या बिकवाली की गई है जून के क्वार्टर में।